हेलो एवरीवन, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं टेक्निकल स्पेशल बैच, और इस बैच का पर्पज रहेगा सभी टेक्निकल एग्जाम्स के लेवल पर आप लोगों को तैयार करना। इस सीरीज में हम मेनली चार चीजों पर काम करने वाले हैं। वो चार चीजें क्या होने वाली हैं? नंबर वन, थ्योरी एंड कंसेप्ट रिगार्डिंग द टॉपिक। टॉपिक के रिगार्डिंग कंसेप्ट ऑफ थ्योरी के कंसेप्ट एंड थ्योरी के बारे में बात करेंगे। सेकेंड नंबर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाइक गेट, एसएससी जेई एंड अदर पीएसयूज। थर्ड, बीटेक यूनिवर्सिटी एग्जाम क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। एंड लास्ट, एक फोर्थ लास्ट हमारी एक स्पेशल सीरीज रहेगी करंट अफेयर्स की, फॉर एसएससी जेई एंड अदर पीएसयूज। सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट इज थ्योरी ऑफ मशीन। ऑलमोस्ट 8 to 10 questions are asked every year in GATE examination, and in SSC examination 15 to 16 questions are asked per year. So to solve competitive questions and university questions, this series will certainly help you. So now let's start with first chapter of theory of machine, that is simple mechanism. And the first topic of this chapter will be kinematic link or एलिमेंट। तो हम बात करने वाले हैं काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। किसको हम काइनेमेटिक लिंक बोलेंगे? एज यू नो, मशीन बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी होती है, और मशीन का जो मेन फंक्शन है वो गिवन इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। मशीन के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म होता है। तो इस चैप्टर में हम मशीन के कंपोनेंट्स, किस मैकेनिज्म पे वो मशीन बनी है, तो हम बेसिकली मैकेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा, मशीन बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनती है, तो उसके एलिमेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन भी होगा। तो ऐसा एलिमेंट, मशीन का वो मेंबर जिसका किसी दूसरे मेंबर के रेस्पेक्ट में कुछ रिलेटिव मोशन होगा, उसको हम बोलेंगे काइनेमेटिक लिंक। एवरी पार्ट ऑफ ए मशीन विच इज हैविंग सम रिलेटिव मोशन विद रेस्पेक्ट टू सम अदर पार्ट इज नोन एज काइनेमेटिक लिंक। सबसे मेन बात काइनेमेटिक लिंक के लिए कि काइनेमेटिक लिंक आपकी एक रेजिस्टेंट बॉडी होनी चाहिए। रेजिस्टेंट बॉडी से मतलब है, अगर आप उस लिंक के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो उसको फोर्स को, पावर को या मोशन को ट्रांसमिट कर सके एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो आपने लोड लगाया उस लोड की डायरेक्शन में डिफॉर्म हो जाए। अगर बॉडी रेजिस्टेंट नहीं है तो उसको आप लिंक की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो एक लिंक होने के लिए दो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जो होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड बी अ रेजिस्टेंट बॉडी, एंड सेकंड, इट शुड हैव रिलेटिव मोशन। तो हमने दो चीजें सीखी, मशीन के दो मेंबर्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन होना चाहिए, और वो मेंबर एक रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो आप उसको बोलोगे काइनेमेटिक लिंक। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। ये हमारा एक ड्राइवर गियर या ड्राइवर पुली एंड ड्रिवन पुली। हमने ड्राइवर गियर से ड्रिवन गियर तक या ड्रिवन पुली तक पावर ट्रांसमिट करनी है विद द हेल्प ऑफ रबर बैंड। आपने जैसे ही रबर बैंड को माउंट किया तो आप देखेंगे ड्राइवर से ड्रिवन की तरफ पावर ट्रांसमिट नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज रबर बैंड इज नॉट अ रेजिस्टेंट बॉडी। ये रेजिस्टेंट बॉडी नहीं है। जैसे ही आप ड्राइवर को रोटेट करना स्टार्ट करोगे, रबर बैंड उस पर लिपटता चला जाएगा, ये कोई भी पावर ट्रांसमिट नहीं करेगा। दैट्स वाई रबर बैंड इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लिंक। इसने दूसरी कंडीशन जो थी रेजिस्टेंट बॉडी वाली,
उसने इस कंडीशन को फिल कर दिया। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ लिंक की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ लिंक में सबसे पहले रिजिड लिंक, रिजिड लिंक हम उसको बोलेंगे जहां पे डिफॉर्मेशंस नेग्लिजिबल हो, ना के बराबर डिफॉर्मेशन हो। जैसे इंजन में हम देखते हैं क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, सिलेंडर, इन सभी में डिफॉर्मेशन ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन होता है, इसलिए इन सभी कंपोनेंट्स को हम रिजिड लिंक की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट सेकेंड कैटेगरी हमारी फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक में डिफॉर्मेशंस तो होंगे बट अप टू परमिसिबल लिमिट, परमिसिबल लिमिट तक ही उसमें डिफॉर्मेशन होंगे। अब ये परमिसिबल लिमिट कौन डिसाइड करेगा, तो ये परमिसिबल लिमिट डिसाइड की जाती है बाय द डिजाइनर। इस लिमिट को डिजाइनर सेट करेगा। अब कौन कौन से लिंक, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, तो वेल्ट, रोप एंड चेन ड्राइव्स, इन सभी को हम फ्लेक्सिबल लिंक की कैटेगरी में रखते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम फ्लूड को एज अ लिंक यूज करते हैं इन पावर ट्रांसमिशन, जैसे आपकी हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक जैक एटसेट्रा। तो जहां पे जिस भी मशीन में हम फ्लूड को एज अ लिंक यूज करेंगे फॉर द पावर ट्रांसमिशन, उसको बोलेंगे हम फ्लूड लिंक। अब एक थोड़ा सा हम रोक के एक बात करते हैं, मटेरियल्स की बात कर लेते हैं। जो इंजन के हमने भी कंपोनेंट्स के बारे में देखा, जनरली रिजिड लिंक्स लाइक पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, सिलेंडर, ये किस मटेरियल का बना होता है, तो आपके सामने एक सिंगल सिलेंडर अरेंजमेंट है, इंजन का इंटरनल व्यू, दैट इज सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक। अगर हम इस पिन की बात करें तो इस पिन को हम बोलते हैं क्रैंक पिन। द कनेक्शन बिटवीन क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड इज क्रिएटेड बाय क्रैंक पिन। और ये जो पिन आपके सामने दिखाई दे रही है, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ गजन पिन। एग्जाम में इन सारे एलिमेंट्स का, इन सभी मेंबर्स का मटेरियल पूछ लिया जाता है, कौन सा मेंबर किस मटेरियल का बना होता है, तो एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहले आते हैं पिस्टन पे। पिस्टन इज द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट इन दिस अरेंजमेंट एंड वी वांट दैट द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट हैव लीस्ट मास, उसको हमें सबसे हल्का बनाना है, दैट्स वाई हम एल्यूमिनियम एलॉयज का बनाते हैं पिस्टन को। दूसरी बात, एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, एल्यूमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत हाई होती है। देन बात करते हैं हम कनेक्टिंग रोड की। कनेक्टिंग रोड को हम स्टील, जनरली स्टील या स्टील एलॉयज से बनाते हैं, और कनेक्टिंग रोड को जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसको कहते हैं फोर्जिंग प्रोसेस। तो कभी कभी आपने लिखा हुआ देखा होगा फोर्ज्ड स्टील या फोर्ज्ड कनेक्टिंग रॉड, तो इसका मतलब ही यही है कि कनेक्टिंग रॉड को हमने फोर्जिंग प्रोसेस के थ्रू बनाया है, इसीलिए हम उसको प्रोसेस के नाम से बोल देते हैं फोर्ज्ड कनेक्टिंग रॉड। उसके बाद हम बात करते हैं क्रैंक पे। क्रैंक भी हमारा जनरली स्टील का बना होता है। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर बना होता है हमारा कास्ट आयरन का। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन की बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिलेटिव मोशन को समझ लेते हैं। तो रिलेटिव मोशन, किसी भी दो बॉडी को बीच में रिलेटिव मोशन को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि दो लिंक्स होने बहुत जरूरी हैं। रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट तभी जनरेट होता है जब दो लिंक प्रेजेंट होंगे। तो कितने तरीके के रिलेटिव मोशन हो सकते हैं उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन और सेल्फ कंस्ट्रेंड मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंड या सेल्फ कंस्ट्रेंड का मतलब है व्हेन द कंस्ट्रेंड इज पुट बाय द सिस्टम इटसेल्फ। एक लाइन में हम लिख देते हैं, कंस्ट्रेंड इज पुट बाय द सिस्टम इटसेल्फ। अगर ऐसा है तो आप उसको बोलोगे कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। एक एग्जांपल के हेल्प से समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं हम स्क्वायर रोड इन अ स्क्वायर होल। ये एक स्क्वायर रोड है, इसका क्रॉस सेक्शन आपके सामने, ये एक स्क्वायर रोड स्क्वायर होल के अंदर है। अगर मैं इसके मोशन की बात करूं तो ये रोड इस होल के अंदर रेसिप्रोकेट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन रोटेट नहीं कर सकती क्योंकि उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है।
अगर वहीं पे मैं इस सर्कुलर रोड की बात करूं, सर्कुलर रोड इन अ सर्कुलर होल, तो यहां पे अगर आप मोशन ऑब्जर्व करेंगे तो ये सर्कुलर रोड इस होल में रेसिप्रोकेट कर सकती है और रोटेट भी कर सकती है। दैट मींस यहां पे हमें दो आउटपुट मोशन मिले या दो मोशन मिले, दो टाइप के मोशन मिले जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, रेसिप्रोकेशन और रोटेशन। यहां पे हमें दिखाई दिया सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकेशन हो रहा है शाफ्ट का, वो किसकी वजह से, सिर्फ सिस्टम की वजह से। चलो यहां पे देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करता हूं, मैं यहां पे शाफ्ट के साथ कॉलर अटैच कर देता हूं। अब मैंने यहां पे शाफ्ट के साथ कॉलर्स अटैच कर दिए एंड कॉलर्स इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ शाफ्ट। अब अगर हम यहां पे देखें तो ये शाफ्ट रोटेट तो कर सकती है क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन अभी भी सर्कुलर है, तो रोटेट तो कर पाएगी लेकिन रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने कॉलर्स अटैच कर दिए है। अब यहां पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपको मोशन मिल रहा है। दैट मींस इन दोनों केस में एक चीज हमें समझ में आई कि यहां पे मोशन के लिए जो कंस्ट्रेंट पुट की है वो खुद सिस्टम ने कंस्ट्रेंट पुट की है, हमने बाहर से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलेंगे कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। आगे आते हैं नेक्स्ट, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन, देखो दो चीजें हैं, सिस्टम और इसके बाहर जो भी कुछ है वो सराउंडिंग। सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने वाली सरफेस बाउंड्री। तो यहां पे कंप्लीटली कंस्ट्रेंट में हमने देखा सिस्टम ने एक कंस्ट्रेंट पुट किया, खुद सिस्टम एक कंस्ट्रेंट पुट कर रहा था। अब सराउंडिंग की बात कर लेते हैं, इफ कंस्ट्रेंट इज पुट बाय द सराउंडिंग देन द मोशन इज नोन एज सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। अगर सराउंडिंग एक कंस्ट्रेंट पुट करेगा तो उसको बोलेंगे हम सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। चलो एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, एक सिरिंज है, बचपन में डॉक्टर ने लगाई होगी आपके भी। तो यहां पे आप देखेंगे ये इसका स्लाइडर, ये इस सिरिंज का स्लाइडर। तो इस स्लाइडर को कौन ऑपरेट कराता है? इस स्लाइडर को ऑपरेट कराता है डॉक्टर। अगर उसको मेडिसिन को इंजेक्ट करना है, अंदर की तरफ सक करना है, तो इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, बाहर की तरफ खींचेगा। अगर मेडिसिन को इजेक्ट करना है तो वो इसको पुश कराएगा। ये रेसिप्रोकेशन कराता है ऑपरेटर यानी डॉक्टर। अगर वो चाहे तो इस स्लाइडर को रोटेट भी करा सकता है, उसको पकड़ के वो घुमा भी सकता है, लेकिन ऐसा करते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है हमको, वो बेस्ट है हमारे लिए वो मोशन। तो सिरिंज सिर्फ रेसिप्रोकेट करे, ये जो कंस्ट्रेंट पुट किया है ये पुट किया है ऑपरेटर ने, ऑपरेटर हुआ इसके लिए सराउंडिंग। दैट मींस इस केस में जो कंस्ट्रेंट पुट की गई है वो सराउंडिंग के द्वारा पुट की गई है, और जहां पे कंस्ट्रेंट सराउंडिंग के द्वारा पुट की जाती है उसको बोलते हैं हम सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ये आपका सिलेंडर पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड। पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट को मैं मान लेता हूं सिस्टम, और इस सिस्टम के बाहर जो भी है वो सराउंडिंग। दैट मींस कनेक्टिंग रॉड इसके लिए सराउंडिंग का काम करेगा। अब इस पिस्टन के अगर हम क्रॉस सेक्शन को देखें तो इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन भी होता है सर्कुलर। ये पिस्टन इस सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट तो करती ही है, वो सब हम देखते हैं, रेसिप्रोकेट ही करती है, रोटेट भी कर सकती है क्योंकि क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, लेकिन रोटेट नहीं करती है। पिस्टन सिलेंडर के अंदर रोटेट नहीं करती है, उसके ऊपर जो कंस्टेंट पुट की है वो पुट की है कनेक्टिंग रॉड ने, ताकि पिस्टन सिलेंडर के अंदर रोटेट ना कर सके, सिर्फ रेसिप्रोकेट करे। तो ये जो कंस्टेंट पुट की है वो कंस्टेंट पुट की है कनेक्टिंग रॉड ने, दैट मींस सराउंडिंग ने, इसीलिए ये भी आपका क्या हुआ, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। एक नोट पॉइंट देख लेते हैं, मोशन चाहे आपका कंप्लीटली कंस्ट्रेंड हो या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड हो, दोनों के दोनों 100% कंस्ट्रेंड मोशन है। हमें आगे मशीन बनानी है तो मशीन बनाने के लिए हमें कंस्ट्रेंड मोशन चाहिए।
अब वो हमें फर्क नहीं पड़ता है कि वो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट से आया है या कंप्लीटली कंस्ट्रेंट से आया है। अगर नेट रिजल्ट कंस्ट्रेंट है तो हमें सिर्फ उसी से मतलब है, तो दोनों ही हमारे 100% कंस्ट्रेंट है। हम आगे ये बात नहीं करेंगे कि वो सेल्फ कंस्ट्रेंट है या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट है, हम सिर्फ बात करेंगे कंस्ट्रेंट है या अनकंस्ट्रेंट है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं अनकंस्ट्रेंट की। तो अनकंस्ट्रेंट का मतलब या इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब हम पहले ही देख चुके हैं। व्हेन द मोशन बिटवीन अ पेयर टेक प्लेस इन मोर देन वन डायरेक्शन, अगर एक डायरेक्शन से ज्यादा मोशन पॉसिबल है दो एक पेयर के बीच में, तो उस मोशन को बोलेंगे हम इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। जैसे कि हमने केस में देखा था सर्कुलर रॉड इन सर्कुलर होल, ये रॉड इस होल के अंदर रेसिप्रोकेट भी करेगी और रोटेट भी करेगी। दैट मीन्स यहां पे इस शाफ्ट के दो मोशन है और दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो अगर ऐसा है तो इसको बोलेंगे हम इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंड मोशन। बात को आगे बढ़ाते हैं, नया टॉपिक हम लोगों का रहेगा काइनेमेटिक पेयर। पेयर का मतलब, पेयर के नाम से ही आपको समझ आ रहा है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। आप किन्हीं भी दो लिंक्स को ऐड करो तो एक पेयर बनेगा। एनी कनेक्शन बिटवीन टू लिंक्स इज ऑलवेज द जॉइंट, आप किन्हीं भी दो लिंक्स को आपस में कनेक्ट करोगे तो एक पेयर ही बनाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि वो पेयर काइनेमेटिक पेयर ही हो, कंडीशन है अगर उस पेयर का रिलेटिव मोशन कंस्ट्रेंड होगा तो आप उसको बोलोगे काइनेमेटिक पेयर। अब कंस्ट्रेंट में वो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट भी हो सकता है, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट भी हो सकता है। बस कंस्ट्रेंट होने से मतलब है अगर उनके बीच का रिलेटिव मोशन कंस्ट्रेंट है तो उस पेयर को आप बोलोगे काइनेमेटिक पेयर। एनी कनेक्शन बिटवीन टू लिंक्स इज ऑलवेज द जॉइंट, बट दिस पेयर विल ऑल्सो बी अ काइनेमेटिक पेयर इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक इज अ कंस्ट्रेंड मोशन। मोशन कंस्ट्रेंट होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर्स को कितने तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, तो काइनेमेटिक पेयर्स को हमने तीन तरीके से क्लासिफाई किया है। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, सेकेंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लोजर, थर्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक एक करके बात करते हैं, तो हम यहां स्टार्ट करते हैं पहले अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी जो पेयर हमने बनाया है उस पेयर के बीच में रिलेटिव मोशन किस तरीके का है। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन हमने काइनेमेटिक पेयर को चार पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट टर्निंग पेयर का दूसरा नाम रिवोल्यूट पेयर, एग्जाम्स में इसी नाम से पूछा जाता है व्हाट इज रिवोल्यूट पेयर। जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो वो टर्निंग पेयर लिख के नहीं आता है, रिवोल्यूट पेयर टर्म यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रिवोल्यूट पेयर हम किसको कहते हैं। तो टर्निंग पेयर, रिवोल्यूट पेयर या पिन जॉइंट एक ही बात है, दो लिंक्स को आपने अटैच किया है विद द हेल्प ऑफ पिन, तो वहां पे एक टर्निंग पेयर बनेगा। जैसे अभी हमने देखा था पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड का जो कनेक्शन था क्रैंक पिन की हेल्प से था, दैट मींस वो भी एक टर्निंग पेयर है। पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड का जो कनेक्शन हुआ है वो भी एक पिन की हेल्प से हुआ है जिसका नाम है गजन पिन, दैट मींस वो भी एक टर्निंग पेयर है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं टर्निंग पेयर की। तो अगर हमारा रिलेटिव मोशन प्योर टर्निंग है, व्हेन द टू एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट वन कैन टर्न और रिवॉल्व अबाउट अ फिक्स एक्सिस ऑफ अनदर लिंक, पेयर इज नोन एज टर्निंग पेयर। अगर हम और सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आप कह सकते हो व्हेन रिलेटिव मोशन, व्हेन रिलेटिव मोशन इज प्योर टर्निंग, एक लिंक दूसरे लिंक के ऊपर टर्न करेगा उसको बोलेंगे हम टर्निंग पेयर। नेक्स्ट आते हैं हम स्लाइडिंग पेयर पे। स्लाइडिंग पेयर, व्हेन टू एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट वन कैन स्लाइड रिलेटिव टू द अदर, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के ऊपर स्लाइड करेगा,
तब होगा आपका स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर का दूसरा नाम प्रिज्मेटिक पेयर। एग्जांपल आपके सामने पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट। पिस्टन सिलेंडर के अंदर स्लाइड करता है, दैट मींस दोनों मिलके बनाएंगे स्लाइडिंग पेयर। आगे बात करते हैं रोलिंग पेयर। When the two elements of a pair are connected in such a way that one rolls over another link, एक लिंक दूसरे लिंक के ऊपर रोल कर रहा है, तब बनेगा हमारा रोलिंग पेयर। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल देख लेना, जैसे बॉल बियरिंग्स, रोलर बियरिंग्स, ये बनाते हैं हमारा रोलिंग पेयर। इसके बाद बात करते हैं हम स्क्रू पेयर की। When the relative motion is over the threads, अगर threads के ऊपर relative motion है तब हम उसको बोलेंगे स्क्रू पेयर। एग्जाम्पल नट एंड बोल्ट। स्पेरिकल पेयर, नेक्स्ट स्पेरिकल पेयर। When the relative motion is 3D rotation, अगर थ्री डायमेंशनल रोटेशन हो रहा है दो लिंक्स के बीच में, तो उसको बोलेंगे हम स्फेरिकल पेयर। एग्जाम्पल आपके सामने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अटैचमेंट ऑफ ए कार मिरर, पेन स्टैंड एटसेट्रा। इसमें से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा पेयर बनाते हैं, तो सिंपल सी बात स्फेरिकल पेयर। एक स्टेप आगे बढ़ के भी क्वेश्चन आ जाता है, उसको हम देख लेते हैं नोट पॉइंट में। वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये एक जनरल व्यू दे रखा है मैंने वॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। वॉल और ये सॉकेट, इसने वॉल सॉकेट के अंदर 3D रोटेशन में है, थ्री डायमेंशनल रोटेशन हो रहा है, 3D रोटेशन। अगर हम अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव मोशन बात करें तो स्पेरिकल पेयर बना रहे हैं। अगर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बात करें तो दोनों के बीच में, वॉल एंड सॉकेट के बीच में हो रहा है सरफेस कॉन्टैक्ट, और जहां पे भी सरफेस कॉन्टैक्ट होता है वहां पे बनता है एक लोअर पेयर। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि वॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा पेयर बनाते हैं, लोअर पेयर, हायर पेयर वगैरह वगैरह। तो इसका आंसर हो जाएगा लोअर पेयर, और ये क्वेश्चन आपका SSC JEE 2017 में पूछा गया है। अब लोअर पेयर क्या होता है, हायर पेयर क्या होता है, ये हम आगे बात करने वाले हैं, तो आगे चलते हैं। सेकेंड काइनेमेटिक पेयर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। सेकेंड तरीका क्लासिफाई करने का, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एलिमेंट्स, जो दो एलिमेंट्स को मिला के आपने पेयर बनाया है उनके बीच में कॉन्टैक्ट किस तरीके का है। हो सकता है उनके बीच में सरफेस कॉन्टैक्ट हो सकता है उनके बीच में पॉइंट कॉन्टैक्ट हो या लाइन कॉन्टैक्ट हो। अगर सरफेस कॉन्टैक्ट है तो उसको कहेंगे हम लोअर पेयर, पॉइंट कॉन्टैक्ट है तो उसको बोलेंगे हम हायर पेयर। एक और पेयर, एक कैटेगरी और आती है, रैपिंग पेयर। व्हेन वन लिंक इज रैप्ड ओवर अदर लिंक, जैसे आपका बेल्ट एंड पुली का केस है, रोप और पुली का केस है, इसको बोलते हैं हम रैपिंग पेयर, रैपिंग पेयर। लेकिन रैपिंग पेयर में भी इसको हम कंसीडर करते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉन्टैक्ट इज देयर, नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स का कॉन्टैक्ट मान के चलते हैं हम लोग। दैट मीन्स बहुत सारे पॉइंट कॉन्टैक्ट। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बना के, ये पुली और ये बेल्ट, देखने में तो लगता है कि इनके बीच में सरफेस कॉन्टैक्ट हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट कॉन्टैक्ट्स, इनफाइनाइट पॉइंट कॉन्टैक्ट्स का जो कनेक्शन हो रहा है। तो पॉइंट कॉन्टैक्ट अभी देखा हमने, पॉइंट कॉन्टैक्ट है तो उसको बोलते हैं हायर पेयर। तो इसीलिए रैपिंग पेयर भी आपका एक हायर पेयर का ही क्लासिफिकेशन है या उसी की कैटेगरी में आता है। तो रैपिंग पेयर कुछ अलग से नहीं है, तो बेल्ट एंड पुली, रोप एंड पुली, ये सब ये भी हायर पेयर में ही आता है। अब इनको समझने के लिए, लोअर पेयर और हायर पेयर को समझने के लिए हम दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट कैम एंड फॉलोवर, कैम एंड फॉलोवर। तो पहला काम रहेगा हमारा इसमें नंबर ऑफ लिंक्स को काउंट करना। तो लिंक नंबर वन फिक्स, जो फिक्स है हमारा, फिक्स को एक मानते हैं ग्राउंड। लिंक नंबर टू कैम और लिंक नंबर थ्री फॉलोवर। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, नंबर ऑफ लिंक्स को मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ लिंक्स है यहाँ पे थ्री। अब वन और टू के बीच में एक पेयर, वन और टू के बीच में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे एक पिन जॉइंट है, और पिन जॉइंट मैंने आपको बताया, पिन जॉइंट मतलब टर्निंग पेयर, और टर्निंग पेयर हमेशा सरफेस कॉन्टैक्ट बनाते हैं। देखने में आपको पॉइंट कॉन्टैक्ट लग रहा है, लेकिन आप इसको 3D में इमेजिन करो, दो लिंक्स, उनको आपस में आपने कॉन्टैक्ट कराया, एक पिन इंसर्ट कराई, तो वहां पे होगा सरफेस कॉन्टैक्ट। लाइक क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड, सरफेस कॉन्टैक्ट है। कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन, सरफेस कॉन्टैक्ट है। तो जहां पे भी टर्निंग पेयर होगा वहां पे एक लोअर पेयर बनेगा, सरफेस कॉन्टैक्ट का मतलब है लोअर पेयर। तो वन और टू की बात करें तो यहां पे एक लोअर पेयर बनेगा। वन और थ्री यानी इस फिक्स और फॉलोवर के बीच में, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बात करें तो स्लाइडिंग पेयर है। स्लाइडिंग पेयर, फॉलोवर फिक्स के ऊपर स्लाइड कर रहा है,
लेकिन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे सरफेस कॉन्टैक्ट है, सरफेस कॉन्टैक्ट मतलब लोअर पेयर। अब टू और थ्री में देखते हैं कैम एंड फ्लोर के बीच में ये है पॉइंट कॉन्टैक्ट, पॉइंट कॉन्टैक्ट मतलब हायर पेयर। तो मैं यहां पे बात कर रहा था लिंक की, लिंक की टोटल टोटल नंबर ऑफ लिंक्स हैं थ्री, लोअर पेयर अगर हम काउंट करें तो लोअर पेयर है टू और हायर पेयर है वन। अब नेट रिजल्ट की बात करें तो आउटपुट मिलता है हमें फॉलोवर पे, फॉलोवर हमारा रेसिप्रोकेट करता है इन वाइंड अप बाई डायरेक्शन। अगर मैं सेम मैकेनिज्म को कंपेयर करके देखूं सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म के साथ, तो पहले तो मैं यहां पे भी लिंक काउंट कर लेता हूं, इंजन है दैट मींस हमारा सिलेंडर फिक्स रहेगा, ये मैं अभी आगे बताऊंगा जब इन्वर्जन पढ़ेंगे। फिक्स, फिक्स को वन मानते हैं ग्राउंड, लिंक नंबर टू क्रैंक, लिंक नंबर थ्री कनेक्टिंग रॉड, लिंक नंबर फोर पिस्टन। अब टोटल नंबर ऑफ लिंक्स यहां पे हो गए चार। अब पेयर भी काउंट कर लेते हैं, वन और टू के बीच में पिन जॉइंट यानी टर्निंग पेयर दैट मींस सरफेस कॉन्टैक्ट यानी लोअर पेयर, टू और थ्री के बीच में यहां पे भी पिन जॉइंट है, पिन जॉइंट मतलब लोअर पेयर, थ्री और फोर के बीच में यहां पे गजन पिन से हमने ये जॉइंट बनाया दैट मींस लोअर पेयर, वन और फोर के बीच में स्लाइडिंग सरफेस, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट दैट मींस सरफेस कॉन्टैक्ट यानी लोअर पेयर। तो टोटल लोअर पेयर हो गए यहां पे चार और हायर पेयर हो गए जीरो। अगर मैं इसको, अगर मैं आउटपुट की बात करूं, मैं इनपुट यहां पे अगर मैं इनपुट क्रैंक पे देता हूं जस्ट लाइक कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, अगर मैं यहां पे इनपुट देता हूं तो आउटपुट मिलेगा मुझे पिस्टन पे और पिस्टन वाई डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट करेगी। अगर मैं इन दोनों के कैम एंड फॉलोअर एंड पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के आउटपुट को कंपेयर करूं तो यहां पे मिला हमें बाई डायरेक्शन में रेसिप्रोकेशन, यहां पे भी मिला बाई डायरेक्शन में रेसिप्रोकेशन। और सेम आउटपुट के लिए दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं डिफरेंस देखूं तो यहां तीन लिंक, यहां पे चार लिंक, एक लिंक एक्स्ट्रा यूज किया, यहां पे दो लोअर पेयर, यहां पे चार लोअर पेयर, दो एक्स्ट्रा लोअर पेयर यूज किए, यहां पे एक हायर पेयर, यहां पे हायर पेयर जीरो दैट मींस यहां पे हमने कोई हायर पेयर यूज नहीं किया। तो इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि सेम आउटपुट लेने के लिए एक अगर मुझे हायर पेयर हटाना है तो दो लोअर पेयर एक्स्ट्रा यूज करने पड़ेंगे। तो यहां पे मैंने एक हायर पेयर था उसको यहां से हटाया और दो लोअर पेयर को एक्स्ट्रा यूज किया, दैट मींस एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हम यहां से जनरेट कर सकते हैं, एक हायर पेयर, वन हायर पेयर इक्वल्स टू टू लोअर पेयर, एक हायर पेयर आपका दो लोअर पेयर के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट नोट, ये आपको याद रखना है। अब कैसे हमें याद रखना है, ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा याद कर लेते हैं। पिन जॉइंट, जहां पे भी आपको पिन जॉइंट दिखाई देता है, पिन जॉइंट का मतलब है टर्निंग पेयर, और जहां भी टर्निंग पेयर है वहां पे है सरफेस कॉन्टैक्ट, सरफेस कॉन्टैक्ट मतलब लोअर पेयर। तो अब आगे से इतना दिमाग नहीं लगाना है, जहां पे भी आपको पिन जॉइंट दिखाई दे, पिन जॉइंट आपको सीधे वहां पे लिखना है लोअर पेयर, दैट्स इट। नेक्स्ट आगे क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग। काइनेमेटिक पेयर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लोजर उनको किस तरीके से बंद किया गया है, दोनों लिंक्स को हमने किस तरीके से बांध के रखा है। तो पहला आता है इस कैटेगरी में सेल्फ क्लोज पेयर, मतलब जो अपने आप में ही क्लोज है, जैसे परमानेंट जॉइंट। इसकी अगर हम बात करें तो क्रैंक एंड कनेक्टिंग रोड के बीच का जॉइंट, कनेक्टिंग रोड और पिस्टन के बीच का जॉइंट, ये क्या है, ये परमानेंट जॉइंट है, इसमें हमें कोई एडिशनल फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है उनको बांध के रखने के लिए। तो उनको, ऐसे जॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं सेल्फ क्लोज पेयर, या दूसरे नाम से जाना जाता है इनको सिंपली क्लोज पेयर। क्लोज पेयर दूसरा आता है फोर्स क्लोज पेयर, व्हेन द टू एलिमेंट्स ऑफ ए पेयर आर नॉट कनेक्टेड मैकेनिकली बट kept in contact by the action of external force। अगर हम किसी external force की help से एक pair maintain करते हैं तो उसको बोलेंगे force close pair। जैसे देख लेते हैं example, higher pair in cam and follower mechanism, higher pair in cam and follower mechanism, ये आपका example है force close pair का। यहाँ पे अगर आपको mechanism याद हो तो याद रहेगा, ये हमारा higher pair था, फॉलोवर के ऊपर यहां पे लगा होता है कि स्प्रिंग। फॉलोवर का काम क्या है, ऊपर नीचे मूव करना, रेसिप्रोकेशन करना। फॉलोवर ऊपर जाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा दैट मींस स्प्रिंग नीचे फोर्स लगाएगा एफ
डाउनवर्ड डायरेक्शन में के एक्स, वेयर के इज द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, जितना फॉलोवर ऊपर गया होगा वो डिस्प्लेसमेंट, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग ने एक फोर्स लगाया और वही फोर्स इस कैम और फॉलोवर के बीच में जो हायर पेयर है उसको मेंटेन कर रहा है। अगर यहाँ पे स्प्रिंग ना हो तो क्या होगा, कैम एंड फॉलोवर का कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा, दैट मीन्स ये हायर पेयर अपने फोर्सफुल्ली मेंटेन करके रखा है। दैट मीन्स हायर पेयर इन कैम एंड फॉलोवर इज द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स क्लोज पेयर। फोर्स क्लोज पेयर को हम दूसरे नाम से जानते हैं, ओपन पेयर। एग्जाम्स में कभी कभी इसी नाम से आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन पेयर। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ओपन पेयर होता क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में जो चैन में प्रेजेंट हो सकते हैं। लिंक की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अब जॉइंट की बात कर रहे हैं। जॉइंट, दैट्स इट। ये आपके सामने रेड कलर का एक जॉइंट है। ये जॉइंट दो लिंक से मिलकर बना है, लिंक नंबर वन और लिंक नंबर टू। When the links are joined at same connection, the joint is known as binary joint. अगर और सिंपल करना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं where two links are connected. जहां पे दो लिंक कनेक्ट होंगे जिस जॉइंट पे उसको बोलेंगे हम बाइनरी जॉइंट। सेम यहां पे लिंक नंबर वन, लिंक नंबर टू, पिस्टन कनेक्टिंग रोड। इस जॉइंट पे दो ही लिंक कनेक्ट है, एक पिस्टन और एक कनेक्टिंग रॉड, तो ये भी हमारा बाइनरी जॉइंट का एग्जांपल है। नेक्स्ट टर्नरी जॉइंट। टर्नरी जॉइंट में व्हेन द थ्री लिंक्स आर कनेक्टेड, देन द जॉइंट इज नोन एज टर्नरी जॉइंट। यहां पे आप देख पा रहे होंगे लिंक नंबर वन, लिंक नंबर टू और लिंक नंबर थ्री तीनों मिलके एक जॉइंट बना रहे हैं, इसलिए हमने इसको बोला टर्नरी जॉइंट। अब बात करते हैं ये कितने बाइनरी जॉइंट के इक्विवेलेंट होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस टर्नरी जॉइंट में कितने बाइनरी जॉइंट प्रेजेंट हैं, तो आप बोलोगे लिंक नंबर वन और टू के बीच में एक बाइनरी, टू और थ्री के बीच में एक बाइनरी एंड वन और थ्री के बीच में बाइनरी। तीन बाइनरी जॉइंट प्रेजेंट है, देखने से हमें लग रहा है तीन बाइनरी जॉइंट प्रेजेंट है यहाँ पे, लेकिन इन तीन में से दो इंडिपेंडेंट हैं और एक डिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स मैं किन्हीं दो का यूज करके ये जॉइंट फिर से बना सकता हूं। जैसे वन और टू के बीच में मैंने एक जॉइंट ड्रॉ किया, लिंक नंबर वन, लिंक नंबर टू, टू और थ्री के बीच में एक टर्नरी जॉइंट बना। दैट मीन्स ये टर्नरी जॉइंट बनाने के लिए मुझे सिर्फ इन दो की जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हुआ हमारा डिपेंडेंट, इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट, और ये हो जाएगा ये दोनों इंडिपेंडेंट। अगर बाइनरी इक्विवेलेंस की बात करें तो यहां से हम एक नेट रिजल्ट निकाल सकते हैं, एक टर्नरी जॉइंट बराबर होगा दो बाइनरी जॉइंट्स के। ये वही दो बाइनरी हैं जो इंडिपेंडेंट है, हमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वाले काउंट करने हैं। तो एक टर्नरी बराबर हुआ दो बाइनरी जॉइंट्स के, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको भी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वार्टरनरी जॉइंट की। व्हेन फोर लिंक्स आर कनेक्टेड, अगर किसी पॉइंट पे फोर लिंक्स कनेक्टेड है तो उसको बोलेंगे हम क्वार्टरनरी जॉइंट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिंक नंबर वन, टू, थ्री, फोर, ये चार लिंक मिलके एक जॉइंट बना रहे हैं जिसको बोला हमने क्वार्टरनरी जॉइंट। अब बात करते हैं हम यहाँ पे बाइनरी इक्विवेलेंस की, तो कितने बाइनरी जॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो देख लेते हैं एक बार कितने बाइनरी जॉइंट मिलके ये जॉइंट बना रहे हैं। तो बाइनरी जॉइंट्स वन और टू के बीच में, वन और थ्री के बीच में एक बाइनरी, वन और फोर के बीच में, टू एंड थ्री के बीच में, टू एंड फोर के बीच में एंड थ्री एंड फोर के बीच में, तो टोटल सिक्स बाइनरी यहां पे प्रेजेंट है। अब हम यहां पे सेलेक्ट करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, कितने डिपेंडेंट हैं और कितने इंडिपेंडेंट हैं, तो उसके लिए मैं ड्रॉ करके देख लेता हूं। पहले मैंने वन एंड टू को सेलेक्ट किया, लिंक नंबर वन, लिंक नंबर टू, कोई भी तीन ले लो, अब टू थ्री ले लेता हूं मैं, लिंक नंबर टू और लिंक नंबर थ्री के बीच में एक बाइनरी जॉइंट। फिर से एक और ले लेता हूं कोई, वन फोर ले लेते हैं, वन और फोर के बीच में,
तो देखा हमने तीन, इन तीनों ने मिलके फिर से वही बाइनरी क्वाटरनरी जॉइंट क्रिएट कर दिया। दैट मींस ये तीन हुए, ये तीन मिलके बनाएंगे इंडिपेंडेंट जॉइंट्स, इनको बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट, और बाकी तीन हुए डिपेंडेंट। तो अगर हम इक्विवेलेंस की बात करें तो एक क्वाटरनरी जॉइंट बराबर हुआ तीन बाइनरी जॉइंट्स के, सिर्फ हमें इंडिपेंडेंट काउंट करने हैं, तो एक क्वाटरनरी जॉइंट इक्वल हुआ तीन बाइनरी जॉइंट्स के। इंपॉर्टेंट, तो यहां तक तो हमने कहानी सीखी काइनेमेटिक लिंक, काइनेमेटिक पेयर, टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन, टाइप्स ऑफ जॉइंट। अब बात करते हैं हम काइनेमेटिक चेन की। चेन का मतलब ही होता है एक क्लोज लूप। अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर में पहले लिंक और लास्ट लिंक को कनेक्ट कर दें तो वो एक चेन बनाएगा। अगर उस चेन के जितने भी रिलेटिव मोशन है, जितने भी लिंक्स के बीच में रिलेटिव मोशन है, वो सारे ही रिलेटिव मोशन अगर कंस्ट्रेंड है तो उसको बोलेंगे हम काइनेमेटिक चेन। व्हेन ऑल द लिंक्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे सच दैट फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड टू द लास्ट लिंक इन ऑर्डर टू गेट द क्लोज चेन, एंड इफ ऑल द रिलेटिव मोशन इन दिस क्लोज चेन आर कंस्ट्रेंड, मेन कंडीशन यही है, सारे रिलेटिव मोशन होने चाहिए कंस्ट्रेंड। तो अब ऐसी चेन को बोलोगे आप काइनेमेटिक चेन। अब काइनेमेटिक चेन है, काइनेमेटिक चेन सारा मोशन उसमें कंस्ट्रेंड है, तो मैं इसको कंस्ट्रेंड चेन भी बोल सकता हूं। तो इसका दूसरा नाम कंस्ट्रेंड चेन। अगर मुझे इस काइनेमेटिक चेन को यूज करना है या कंस्ट्रेंड चेन को यूज करना है तो एक लिंक को मुझे फिक्स करना ही पड़ेगा। जस्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ये एक क्लोज चेन, फर्स्ट लिंक, लिंक नंबर वन, लिंक नंबर टू, लिंक नंबर थ्री, लिंक नंबर फोर, यहां पे फर्स्ट लास्ट से कनेक्ट है, दैट मींस क्लोज चेन है। सपोज इसके सारे ही रिलेटिव मोशन कंस्ट्रेंड भी है, दैट मींस ये काइनेमेटिक चेन बना रहा है। अब मुझे यहां पे इनपुट मोशन देना है और मैं चाहता हूं कि मुझे यहां पे आउटपुट मिले, तो ऐसा अभी तो पॉसिबल नहीं है। जैसे ही आप इनपुट फोर्स अप्लाई करोगे तो ये पूरी होल चेन मूव करने लगेगी। अगर आप चाहते हो कि ये आपको डिजायर्ड आउटपुट दे तो आपको इस लिंक का, इस चेन का एक लिंक फिक्स करना पड़ेगा। अब ये आपको आपको डिजायर्ड आउटपुट दे सकता है। जैसे ही आपने इसका एक लिंक फिक्स किया, अब ये काइनेमेटिक चेन कहलाएगी आपकी मैकेनिज्म। टू यूज दिस चेन वन लिंक मस्ट बी फिक्स, एक लिंक आपको फिक्स करना ही पड़ेगा, और जैसे ही आपने एक लिंक फिक्स किया तब वो कहलाया मैकेनिज्म, जो आपको देगा डिजायर्ड आउटपुट विद रेस्पेक्ट टू योर गिवन इनपुट। इस फिनोमिना को आप यूटिलाइज करो मशीन बनाने में, इसी की हेल्प से हम मशीन बनाएंगे जो आपको देगी आपका डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, तो मशीन बनाना सीखेंगे हम लोग, कैसे मशीन बनेगी, किस मैकेनिज्म पे मशीन बनेगी। लेकिन मशीन बनाने से पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बात करने वाले हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बिना मशीन बनाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं, कैसे मशीन बनाएंगे, कैसे मैकेनिज्म बनाएंगे, वो सब देखेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट, ये आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना आप लोग। रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ लिंक्स एंड पेयर्स, नंबर ऑफ लिंक्स एंड पेयर्स। तो L, L रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ लिंक्स को, और P पेयर, दो लिंक्स मिलके जो पेयर बनाते हैं, तो L इक्वल्स टू 2P-4, L इक्वल्स टू 2P-4। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इस फॉर्मूले की ही बात करूं तो SSC 2011 और 2013, आई थिंक 2013 ही है, इन दोनों साल रेगुलर पूछा गया है, उसके बाद 2016 में एक न्यूमेरिकल पूछा गया इसी फॉर्मूले पे, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। L इक्वल्स टू 2P-4। अगर रिलेशन निकालना है नंबर ऑफ लिंक्स के बीच में और बाइनरी जॉइंट्स के बीच में, बाइनरी जॉइंट्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं J से, तो J इक्वल्स टू 3/2 L-2। ये दोनों फॉर्मूले थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इन पे ध्यान देना।